हाय फ्रेंड्स, माय सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है GERD। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले GERD आखिर क्या होता है, तो इसे कॉमन लैंग्वेज में हम लोग एसिड रिफ्लक्स कहते हैं या फिर हाइपर एसिडिटी आप कह सकते हैं। ये कंडीशन है जिसमें स्टमक में बहुत ही ज़्यादा एसिड फॉर्म होने लग जाता है और एसिड का बैक वॉश होने लग जाता है। एसिड माउथ की तरफ जाता है थ्रू ईसोफेगस और वहाँ पे ईसोफेगस की लाइनिंग में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होने लग जाती है जब ज़्यादा एसिड पहुँचने लग जाता है। एसिड रिफ्लक्स अगर आपको टाइम टू टाइम फील होता है, आप एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये एक नॉर्मल कंडीशन हो सकती है। लेकिन अगर एसिड रिफ्लक्स बहुत ज़्यादा होने लग जाए, रिकरेंट होने लग जाए, रिपीटेडली होने लग जाए, तो इसी को हम लोग GERD कहते हैं। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को ये कंडीशन हुई है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि GERD के पेशेंट्स को बर्निंग सेंसेशन फील होता है और ये सेंसेशन उन्हें चेस्ट पे फील होता है, जिसे हम लोग हार्ट बर्न भी कहते हैं। पर्सन को हार्ट बर्न ज़्यादातर खाने के बाद फील होता है या फिर उन्हें नाइट टाइम में ये कंडीशन बढ़ने लग जाती है। इसके अलावा ऐसे लोगों का जो फूड है वो बैकवॉश होने लग जाता है या फिर कोई भी सॉल्ट लिक्विड वो लेते हैं तो वो बैकवॉश होने लग जाता है। ऐसे लोगों को अपर एब्डोमिनल एरिया में पेन हो सकता है या फिर इन्हें चेस्ट पेन की कंप्लेंट भी हो सकती है। ऐसे लोगों में देखा जाता है कि इन्हें स्वेलोइंग के टाइम में कुछ भी अगर ये खाते हैं तो उसे निगलते टाइम इन्हें काफ़ी ज़्यादा पेन फील होता है, इन्हें ट्रबल फील होने लग जाता है। ऐसे लोगों को थ्रॉट में सेंसेशन आता है कि कोई लंप प्रेजेंट है। इसके अलावा ऐसे लोगों को काफ़ी ज़्यादा कफिंग की प्रॉब्लम होती है, इन्हें लैरिंजाइटिस हो सकता है। लैरिंजाइटिस का मतलब है कि लैरिंग्स में इन्फ्लामेशन होने लग जाना। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को ये कंडीशन होने का। तो इसका कॉज यही है कि अगर ज़्यादा एसिड फॉर्म होगा और वो बैकवॉश होने लग जाएगा चेस्ट की तरफ या फिर ईसोफेगस की तरफ, तब ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में रहते हैं। तो जो लोग ओबेस्ड होते हैं, जिनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे लोगों को ये कंडीशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जो लोगों को हर्निया की कंप्लेन है, ऐसे लोगों को हाइपर एसिडिटी हो सकता है। इसके अलावा जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती है, ऐसी फीमेल को ये कंडीशन हो सकती है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि जिन लोगों को स्क्लेरोडर्मा की कंडीशन होती है, ऐसे लोगों में भी ये बीमारी हो सकती है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग या फिर अल्कोहल का यूज़ करते हैं या फिर हद से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, ऐसे लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। कई सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जैसे कि एस्पिरिन। अगर आप एस्पिरिन टाइम टू टाइम लेते हैं, बार बार उसका यूज़ करते हैं, तो उन लोगों को ये कंडीशन हो सकती है। अब मैं आपको इसका कॉम्प्लिकेशन बता देती हूँ कि अगर आप इस डिज़ीज़ को ट्रीट नहीं करेंगे तो आपको इन फ्यूचर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। तो ऐसे लोगों को ईसोफेगस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। इसके अलावा ऐसे लोगों को ईसोफेगस में नैरोइंग हो सकती है या फिर ऐसे लोगों को बैरेट ईसोफेगस की कंप्लेन हो सकती है। ये एक प्री कैंसरस कंडीशन है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप लाइकोपोडियम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप नक्स वोमिका 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कार्बोवेज 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेडिसिन है। आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर ये मेडिसिन लेना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था GERD, जिसे एसिड रिफ्लक्स भी कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।